जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा। जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की।
जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 5 श्लोक संख्या 33। अम्बास्तु यद् रेत उदार वीर्यम्, अम्बस्तु यद् रेत उदार वीर्यम्, सिद्ध्यन्ति जीवन्ति उत वर्धमानः, सिद्ध्यन्ति जीवन्ति उत वर्धमानः, लोकायतो थाखिल लोकपाला, लोकायतो थाखिल लोकपाला, प्रसीदताम नः स महाविभूति, प्रसीदताम नः स महाविभूति। अम्बस्तु यद्रेत उदार वीर्यम्, सिद्ध्यन्ति जीवन्ति उत्वर्धमानः, लोकायतो थिक्लो लोकपाला, प्रसीदताम न स महाविभूतिः। सिद्ध्यन्ति जीवन्ति उत्वर्धमानः, लोकायतो थाखिलो लोकपाला, प्रसीदताम न स महाविभूतिः। शब्दार्थ। अम्ब इस श्लोक में या अन्य लोकों में दिखने वाली जलराशि हो गया। आई गॉट इट, थैंक यू। अम्ब
इस श्लोक में या अन्य लोकों में दिखने वाली जल राशि तो लेकिन यतरेतः उनका वीर्य उदार वीर्यम इतना शक्तिशाली सिद्ध्यन्ति उत्पन्न किए जाते हैं जीवन्ति जीवित रहते हैं उत निसंदेह वर्धमानाः फूलते फलते हैं लोकाः तीनों लोक यतः जिससे अथ भी अखिल लोकपालाः ब्रह्मांड भर के सारे देवता प्रसीदताम प्रसन्न हो नह हम पर सह वे महाविभूति ही असीम शक्ति वाले पुरुष अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा सारा विराट जगत जल से उद्भूत है और जल ही के कारण सारे जीव बने रहते हैं जीवित रहते हैं तथा विकसित होते हैं। यह जल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वीर्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतएव इतनी महान शक्ति वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम पर प्रसन्न हो। हरे कृष्णा। सो आई गॉट ऑल द पावर टुडे। कृपया दोहराइए। सारा विराट जगत जल से उद्भूत है और जल ही के कारण सारे जीव बने रहते हैं जीवित रहते हैं तथा विकसित होते हैं। यह जल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वीर्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतएव इतनी महान शक्ति वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम पर प्रसन्न हो। तात्पर्य तथाकथित विज्ञानियों सिद्धांतों के बावजूद इस पृथ्वी लोक पर तथा अन्य लोकों में जल की विपुल मात्रा की सृष्टि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण से नहीं होती है। प्रत्युत जल को कभी कभी श्री भगवान का पसीना तथा कभी कभी वीर्य कहा जाता है। जल से ही सारे जीव प्रकट होते हैं और जल से ही वे जीवित रहते हैं तथा बढ़ते हैं। यदि जल न होता तो सारा जीवन समाप्त हो जाता। जल हर एक के जीवन का स्रोत है। अतएव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से हमें विश्व भर में इतना जल उपलब्ध है। ओम अज्ञानतिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादिगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सारा विराट जगत जल से उद्भूत है और जल ही के कारण सारे जीव बने रहते हैं जीवित रहते हैं तथा विकसित होते हैं। यह जल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वीर्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतएव इतनी महान शक्ति वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम पर प्रसन्न हो। सो हम कुछ दिनों हफ्तों से सुन रहे हैं कि देवता जब परास्त हो गए या विकट परिस्थिति में है दानव उनको कई तरह से परास्त कर रहे थे तो वो सब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि बचाइए हमको। और ब्रह्मा जी जैसे हम सुन चुके हैं पहले कई बार कि ब्रह्मा जी को ये बात ज्ञात है कि
पूर्ण नियंता तो परम भगवान श्री कृष्ण हैं, तो वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि मैं मेरे पास आए हैं तो मैं परिस्थिति को सुधार सकूंगा, लेकिन वो तुरंत श्री भगवान के ऊपर चिंतन करना शुरू करते हैं और परम भगवान को प्रार्थना करते हैं जो भी परिस्थिति में है वो उससे बाहर निकलने के लिए। तो ये एक अच्छी शिक्षा है हमारे लिए भी कि अवर एंडेवर कैन नॉट सेव अस, हमारी जो प्रयास है उससे हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, हमको भगवान की कृपा पर आश्रित होना सीखना होगा। तो देवी देवता सबसे बड़े जो देव ब्रह्मा जी स्वयं नो ये सब तो यही कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि हम हमारे बुद्धि से कुछ प्राप्त कर लेंगे तो ये शास्त्र समर्थित नहीं है फिर। तो हर भगवान की हर लीला में यही शिक्षा है कि हर एक भक्त जब भगवान को शरणागत होता है तब भगवान कृपा करते हैं। सो कृष्ण वॉन्ट सरेंडरेंस, जब हम शरणागत हो जाते हैं तो भगवान कृपा करते हैं, तब वहाँ से भगवान डोरी पकड़ते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, जब द्रौपदी ने शरणागति ली तब भगवान ने वस्त्र सप्लाई करने शुरू कर दिए, जब गजेंद्र ने शरणागति ली तब भगवान ने आया और जो मगर था घड़ियाल, इसमें घड़ियाल लिखते हैं, घड़ियाल या क्रोकोडाइल, उसको वध किया। तो जितनी भी इस पास्ट टाइम्स या लीलाएं भगवान करते हैं उसका मुख्य हेतु यही समझाना है हमको कि भगवान की व्यवस्था पूर्ण है और हम हमारे प्रयास से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, जितना हम हमारा प्रयास करते हैं उतनी तकलीफें बढ़ती जा रही है। तो यहाँ भी जो स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी भगवान के बारे में बता रहे हैं, ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, पानी कहाँ से आता है, भगवान का पसीना है, भगवान का वीर्य, और हमने क्या सीखा है, H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक्स वाटर, नॉट पॉसिबल, ये तो अभी तकलीफ क्यों है इतना सारा पानी का, फिर अगर हमको पता ही चल गया है फॉर्मूला तो लेट्स डू इट, इफ यू नो द फॉर्मूला वी शुड डू इट, हु इज स्टॉपिंग अस, बट गुरु साधु और शास्त्र हाँ इनके आधार पे हमें निर्णय लेना सीखना है, इस प्रकार से जीवन व्यतीत करना सीखना है। तो ये एक जो हमारी मानसिकता है या चेतना है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समर्पित हैं, वी आर सरेंडर टू द साइंटिफिक टीचिंग्स टुडे, द मॉडर्न साइंटिफिक टीचिंग्स। सो प्रभुपाद समझाते हैं कि हम वैज्ञानिक जो पद्धति है उसके विरोधी नहीं है अगर वो शास्त्र संबंधित शिक्षाओं का प्रचार करे तब, लेकिन शास्त्र से विपरीत शिक्षाएं अगर प्रचार हो तो वो आसुरी ज्ञान है फिर। तो ये हमको बहुत ध्यानपूर्वक हमेशा सोचते रहना चाहिए कि हम जो भी निर्णय ले रहे हैं वो गुरु साधु और शास्त्र से जो शिक्षाएं प्राप्त करिए उसके अनुसार है या वर्तमान वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार है। तो अगर वर्तमान वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार हम निर्णय लेंगे तो केवल हम समस्याओं को आमंत्रण कर रहे हैं, तो हमको तो बहुत ये बोलते हैं ना स्वतंत्रता मिला हुआ है कि हमको जो करना है हम कर सकते हैं, कोई रोकता नहीं है, कोई बोलता नहीं है, लेकिन जब समस्याएं बढ़ती है तब हम भगवान को समर्पण होने की जगह भगवान की आलोचना करने लगते हैं, अरे ये इतना पानी क्यों आ गया, हमारा खेती चौपट कर दिया भगवान ने, इस बार तो बहुत कम पानी हुआ, सारे बीज बर्बाद हो गए, तो हम भगवान की गुणगान करने की जगह क्या कर रहे हैं, सही बात है, हम आप ध्यान से सोचेंगे तो हम अभी यही कर रहे हैं पूरा समय, यही दृष्टिकोण हो गया पूरे समाज का कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है और भगवान कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन ये इस अध्याय से हम क्या सीख रहे हैं, देवी देवताओं ने इंद्र ने गलती किया, वो सोचा मैं कंट्रोलर हूँ, हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसकी सब गुणगान कर रहे हैं, उसको प्रणाम कर रहे हैं और उसके पास कई समस्याओं के लिए जा रहे हैं, सब समस्याओं का समाधान कर रहे हैं,
तो वो सोचा कि मैं बहुत अच्छा मैनेजर हूँ अभी। तो जब हम ऐसा सोचने लगते हैं कि हम अच्छे मैनेजर हैं, वहीं से हमारा पतन शुरू होता है। तो हमारी चेतना हमेशा विनम्र भाव की होनी चाहिए कि भगवान, जो सामर्थ्य हमारे में है वो आपकी कृपा से है, जो सामर्थ्य हम में है हम आपकी सेवा करना चाहते हैं उससे, और जो भी कुछ हमको प्राप्त हो रहा है वो आपकी कृपा से प्राप्त हो रहा है, ना हमारे प्रयास से। तो ये चेतना विकसित करने के लिए ये कृष्ण भावनामृत का जो हम अभ्यास करते हैं वो महत्वपूर्ण है। अगर ये अभ्यास करके ये कृष्ण भावनामृत की चेतना में विकास नहीं हो, हमारा व्यवहार बदलना चाहिए। इफ़ आवर बिहेवियर इज़ नॉट चेंजिंग, दैट मीन्स वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमारा व्यवहार बदलना चाहिए। व्यवहार जुड़ा है हमारे दृष्टिकोणों से या हमारी चेतना से, और वो चेतना को हमें कृष्ण भावनामृत बनाना है। जैसे जैसे हम हमारी चेतना को कृष्ण भावनामृत बनाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा व्यवहार बदलेगा। अगर व्यवहार में कोई बदलाव नहीं है, मतलब कि चेतना वैसी ही है अभी भी जैसे पहले हम थे, नो चेंज, तो देवी देवता शरण ले रहे हैं, ब्रह्मा जी शरण ले रहे हैं, तो इसे क्या सीखना है? ऐसा थोड़े सीखना है उन्होंने गलती किया इसलिए शरण ले रहे हैं, मैं तो गलती करता ही नहीं हूँ। दिस इज़ नॉट द मैसेज। द मैसेज इज़ दैट वी आर ऑल्सो डूइंग मिस्टेक। हमने भी सोचा स्वतंत्र भगवान से भोग करने की इच्छा की, दैट इज़ वाई वी आर हियर। इसलिए हम यहाँ आए क्योंकि हमको स्वतंत्र, हमारी कुछ व्यवस्था का निर्माण करना है। हम सोचे कि भाई वी कैन डू समथिंग बेटर। तो यही गलती जब हम करते हैं तो वहाँ से कृष्ण चले जाते हैं। देन यू कैन नॉट सी कृष्ण देयर, कृष्ण डिसअपीयर्स फ्रॉम द सीन। तो हर हमेशा हमें इस जो हमारा व्यवहार है उसको इस अनुसार रखना है कि हम कृष्ण पर आश्रित हैं। जैसे आप जितनी भी लीलाएं देखेंगे, जब अगासुर ने मुंह खोला ग्वाल बाल अंदर घुस गए, हाँ सोचे तो खेलने का स्थान है क्योंकि कृष्ण पर आश्रित थे, कोई चिंता नहीं है। तो कृष्ण पर आश्रित होने से भय चला जाएगा, भय बढ़ता नहीं है। लेकिन अभी हमारी वर्तमान चेतना ऐसी है कि हम कृष्ण पर आश्रित होते तो हमारा भय बढ़ता है, ऐसा लग रहा है हमको, समाज ऐसा अनुभव करवा देता है। अरे बच्चे को स्कूल नहीं भेजोगे तो करेगा क्या? व्हाट विल यू डू? इंजीनियर बन जाएगा तो अपना जीवन चला लेगा। यही तो चेतना है अभी हमारी, दिस इज हाउ वी आर ट्रेंड। लेकिन भगवान पे आश्रित होना मतलब भगवान की ने जो व्यवस्था दी थी, जो प्रकृति दी थी, उस पे आश्रित होने के बराबर है। वैसा तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सो कोई देश या कोई समाज या कोई संस्था या कोई मंदिर, चर्च, कोई भी एग्रीकल्चर खेती के बिना चल नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ जो मुख्य संदेश है, पानी ही जीवन है, हाईलाइटिंग ऑन द वाटर, वाटर इज लाइफ ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। और वो कहाँ से आता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से आता है, भगवान की कृपा है वो। तो हम इसको समझ सकते हैं, बारिश के माध्यम से। भगवद गीता में एक श्लोक है, अन्नात भवंती भूतानि परजन्य अन्न संभवात। और ये बारिश को भगवान का वीर्य बताया है, और धरती माता प्रकृति उसको धारण करती है और उसी से सभी जीवों का उत्पन्न होता है, राइट। ये यही श्रीमद् भागवतम की शिक्षा है, इसके अंदर कोई ज़्यादा लंबा विज्ञान नहीं है, इसी प्रकार से चलता है। तो आप देखेंगे तो 70% जो ये ब्रह्मांड है उसमें पानी भरा हुआ है। ऐसे ही हमारा शरीर में भी 70% पानी है, ऐसे ही हमारे भोजन में भी 70% पानी है। तो जो भगवान बताते हैं भोजन के बारे में, तो उसमें 3 गुण सात्विक भोजन में बताते हैं भगवान, वो जूसी मतलब रस वाला होना चाहिए, और जूसी फैटी एंड होलसम, आई डोंट नो इसका हिंदी मुझे नहीं आता है, नहीं 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 वो तो वी विल नॉट डिस्कस दैट। तो ये तीन गुण भगवान ने बताए हैं। तो ये तीनों हर एक भोजन में उपलब्ध है, और क्योंकि ये पानी के ऊपर प्रभुपाद लिख रहे हैं इस तात्पर्य में कि कितना महत्वपूर्ण है ये पानी, तो ये तो आज भी उपलब्ध है।
लेकिन जैसे हमारा खेत है इधर मंदिर का, हाँ, तो खेत में तो पानी नमकीन हो गया है अभी, अवर सॉल्ट, अवर वाटर इज सॉल्टी, एंड कृष्ण सेज आई एम द स्वीटनेस इन द वाटर, आई एम द टेस्ट ऑफ द वाटर, भगवान बोलते हैं मैं तो जो पानी का स्वाद है वो मैं हूँ, तो इसको कैसे समझा जाए, हमको तो स्वाद पसंद नहीं है, वी डोंट लाइक दिस टेस्ट नाउ, एंड कृष्ण सेज आई एम द टेस्ट ऑफ द वाटर। तो इससे ये हम समझ सकते हैं कि क्योंकि हमने कृष्ण भावनामूत व्यवहार नहीं किया, बिकॉज वी वेर नॉट बिहेविंग इन अ कृष्ण कॉन्शियसनेस वे, एंड सो द वाटर हैज बिकम सॉल्टी, क्योंकि हम भगवान की उपस्थिति हर हमेशा अनुभव नहीं कर पाते हैं, और हर व्यवस्था में, हर जीव में भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। भगवान उद्धव जी को समझा रहे हैं भागवतम में, हो उद्धव जो हर वन हु व्यू ऑल लिविंग एंटिटीज विद द आइडिया दैट आई एम प्रेजेंट विद इन ईच ऑफ देम, मतलब कि हर जीव में वो भगवान को देखता है, एंड हु बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ दिस डिवाइन नॉलेज, दिस डिवाइन, ये दिव्य ज्ञान, मतलब वो दिव्य ज्ञान जिसमें हमें ये नज़र दृष्टिकोण प्राप्त हो जाए कि हम हर जीव में भगवान के दर्शन करने लगें, वो ऑफर्स ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरी वन इज कंसिडर्ड एक्चुअली वाइज, ऐसा व्यक्ति हर एक जीव को सम्मान देता है। हर एक जीव का क्या अर्थ होता है? 84 लाख योनि, हर एक जीव का अर्थ ही होता है। सच अ मैन सीज इक्वली, ऐसा व्यक्ति समान दृष्टि से देखता है ब्राह्मण, थीफ, आउटकास्ट, कोई दान देता है उसको, कोई ब्राह्मण को, सूर्य को, छोटे कण को, या कोई क्रूर को, कोई भी हो, वो उसको समान दृष्टि से देखता है। तो ये चेतना, ये जो दिव्य ज्ञान है, ये हमने खो दिया। जो इस समाज से हमको ज्ञान प्राप्त हुआ उससे विपरीत प्राप्त हुआ है। हमको क्या सिखाया गया है कि कीड़े, बैक्टीरिया, जर्म्स बीमारी का कारण है। आप मानते नहीं बात को सब लोग, लेकिन ये शास्त्र संबंधित नहीं है, दिस इज टोटली अगेंस्ट स्क्रिप्चर्स। लेकिन अभी हम बोलते ना, जितना गहराई तक हम सोच सकते हैं उतनी गहराई तक हम ये बात को मान बैठे हैं अभी कि कीड़े या दूसरे जो अन्य माइक्रोब्स, बैक्टीरिया है, वो समाज में बीमारी का कारण है। लेकिन अभी इस कमरे में हम जैसे ये प्रभु जी बैठे हैं, हमारे बीच में जो गैप है उसमें पूरे में जीव भरे हुए हैं, देयर इज लाइफ एवरीवेयर। ये शरीर के अंदर भी, विज्ञान भी बोलता है कि हमारा शरीर में केवल 10% ह्यूमन सेल्स है और 90% आर माइक्रोब्स। लेकिन हमारी शिक्षा, ये श्लोक से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कि भगवान जब बता रहे हर एक में भगवान को देखना है, ये क्यों अनिवार्य है हमारे लिए? हम सोचते हैं इसको करने से क्या होएगा, लेकिन इसको करने से ही हम हर हमेशा भगवान की उपस्थिति अनुभव कर पाएंगे, और तब जो भगवान अपने वीर्य या अपने पसीने के रूप में जब जल भेजते हैं उसका अर्थ समझ पाएंगे। अभी तो हम H2O ही समझ के बैठे हैं, वी स्टिल कांट रिलेट टू दिस, बहुत मुश्किल है इसको समझना। तो जब तक हम हर जीव के अंदर भगवान की उपस्थिति देखना नहीं सीख पाएंगे, तब तक पानी कैसे जीवन है वो समझना बहुत मुश्किल है। अभी हमको केवल हमारे संबंध में समझ में आ रहा है, लेकिन उससे हम जो चाहते हैं वो प्राप्त नहीं कर पा रहे। अभी हम सोच रहे हैं हमारे लिए पानी का व्यवस्था हो जाए, ठीक है, दिस इज़ वॉट वी आर थिंकिंग एंड द ह्यूमन सोसाइटी इज़ वर्किंग लाइक दैट। हम पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं इसका, लेकिन परिणाम क्या आ रहा है? नदियाँ सूख गई, जमीन का पानी कम होते जा रहा है। तो जब हमारा उद्देश्य सही है तो परिणाम क्यों विपरीत आ रहा है? क्योंकि हमारा दृष्टिकोण गलत है उसको प्राप्त करने का, हमारा दृष्टिकोण गलत है। जब भगवान वर्षा भेजते हैं तो हम तैयार नहीं हैं उसको उसको प्राप्त करने के लिए, उसको स्वागत करने के लिए, वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। हमने पूरा प्रोसेस चेंज कर दिया है, पूरा पद्धति बदल दिया है हमने। हम सोचते हैं पानी की टंकियाँ बना लेंगे, वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, बट फिर भी पानी की समस्या। तो नीचे पानी नहीं है तो टंकी में आएगा क्या? देयर इज नो वाटर इन द ग्राउंड। फिर हम क्या बोलते हैं, भगवान अब बरसात कम दे रहे हैं, अगेन कंप्लेनिंग द लॉर्ड। यही दृष्टिकोण है हमारे पास, कीप कंप्लेनिंग अबाउट द लॉर्ड, दिस इज अवर माइंडसेट, यही हमारा दृष्टिकोण है। तो दृष्टिकोण को बदलना है। ये श्लोक बहुत गहरा श्लोक है, इसको आई डोंट थिंक दिस इज इनफ टाइम टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, ये पूरा पर्याप्त समय नहीं है इसको समझने के लिए। लेकिन संक्षिप्त में
वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये अभी पानी को लिमिटिंग फैक्टर बताया जा रहा है कि बहुत कम हो गया है पानी। हाँ, हर साल 40 मिलियन 4 करोड़ लोग हर साल, ये यूनाइटेड नेशन का एक फिगर है, हर साल 4 करोड़ लोग स्थानांतरित होते हैं, मतलब अपने स्थान को छोड़ना पड़ता है उनको और दूसरे स्थान पर जाके शरण ग्रहण करते हैं। वो उनका स्थान नहीं है, मतलब वो बेघर हो गए हैं और उसका एकमात्र कारण ये है कि उस भूमि में पानी नहीं है, एकमात्र कारण। तो ये सबसे गंभीर जो विषय अभी दुनिया का है, हमने सुना था एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज से सन 2000 में, तब तो मैं आई वॉज जस्ट ज्वाइनिंग इस्कॉन, पहला प्रवचन होगा मेरा वो, और उसमें महाराज बता रहे थे कि कलयुग में पानी सोने की कीमत में बिकेगा। तब मैं सोचता था ये क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज ही टॉकिंग, बट अभी आप देखो दूध से महंगा पानी है, ऑलरेडी वी आर बाइंग 60 रुपया 200 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया 1,00,000 रुपये लीटर में भी लोग पानी खरीद रहे हैं, पीने का पानी। दैट इज द वैल्यू ऑफ वाटर, बट वी आर नॉट वैल्यूइंग वाटर, हम पानी को उतना आदर नहीं देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी एक बार अपने शिष्यों के साथ चल रहे होते हैं ऐसे ही पार्क में और पानी का नल खुला होता है, तो प्रभुपाद जी रुक जाते हैं और नल को बंद करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं ये भगवान की शक्ति है, इसको हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। सो इतने, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि हर हमेशा हर शक्ति को कृष्ण संबंधित देखना सीखना होगा हमको। सो जब ये वर्षा का पानी आता है खेतों में, तो अभी आई डोंट नो कितने लोगों को खेती का अनुभव है इधर, क्योंकि हम अधिकांश लोग तो शहर में बड़े हुए होंगे या हुए हैं, तो खेत में जो पानी गिरता है वो अभी सारा पानी बह जाता है, अगर आप कभी जाएंगे बारिश के समय में, या पानी भर जाता है उधर। तो ये जो बहुमूल्य वीर्य भगवान जो भेज रहे हैं, ये अपना पसीना, पसीना का अर्थ समझते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, तब तक पसीना आता है, तो अपना पसीना जो इतना भगवान हमारे पे कृपा के रूप में भेजते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा, समझिए आपकी इस साल बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं है? अकाल सूखा पड़ जाएगा और क्या होगा, बहुत कुछ होगा, पैदावार नहीं होगी, भुखमरी हो जाएगी और हैं, सॉरी लड़ाई झगड़े होंगे, यस जीवन नहीं है तो हम कैसे भगवान की सेवा करेंगे, शुद्धि नहीं होगी तो सेवा कैसे होगी भगवान की, सॉरी सब मर जाएंगे, यस। तो भगवान तो पानी भेज रहे हैं, लेकिन हमारे पास व्यवस्था नहीं हो पानी इकट्ठा करने की, हम तो पानी को, अभी इधर मंदिर में बहुत पानी गिरेगा बारिश में, वो सब तो नाले में चला जाएगा, दैट विल ऑल गो इन ड्रेन। तो जो पसीना बहुमूल्य भगवान का वीर्य जो उत्पत्ति के लिए है, उसको तो हम नाली में भेज रहे हैं, इतने प्रशिक्षित लोग हैं हम लोग, वी आर सो इंटेलिजेंट पीपल, दैट एवरीथिंग दैट कृष्ण इज सेंडिंग इन द फॉर्म ऑफ सीमन हिज परस्पिरेशन वी आर ड्रेनिंग इट, सो वी आर इंटेलिजेंट पीपल, सॉरी लेट अस डिस्कस दैट, हम चर्चा करेंगे उसकी, फिर एंड में प्रश्न लेते हैं। हमारा यही चेतना है, हमेशा बाहर किसी चीज को ब्लेम करते हैं, लेकिन तकलीफ अंदर अंदर है, हमको अंदर से सुधारना है खुद को, वी हैव टू चेंज फ्रॉम इंटरनल, वी हैव टू चेंज अवर कॉन्शियसनेस। हमको लेकिन यही सिखा दिया गया है, ये भक्त ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया, ये परिस्थिति इतनी गर्मी है, मैं कैसे मंदिर आऊँ, एवरीथिंग वी आर ब्लेमिंग एक्सटर्नली। हम ये सोचते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं पूर्णतया कृष्णा के बारे में चिंतन करता हूँ 24 घंटे, तो यही तो गलती इंद्र देवताओं ने करी, तभी तो ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ा। तो शरणागति लेने का अर्थ ये है कि विनम्रता से हम जो भगवान बता रहे हैं वो करना शुरू कर दें, नॉट दैट, जैसे ब्रह्मा जी ने भी क्या किया, हम ब्रह्म विमोहन लीला का अगर सोचें, तो उन्होंने सोचा
ये छोटा बच्चा क्या कर रहा है, तो सबको उठा के ले गए और एक साल तक रखा। तो उसने तो देखा उधर तो कुछ तकलीफ ही नहीं हो रही, हो तो एज इट इज़ चल रहा है सब कुछ, उतने ही बच्चे हैं, उतने ही बछड़े आ गए, सब कुछ तो वैसे ही चल रहा है। तो जब भगवान ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं वहाँ भी, तो यही बोलते हैं कि मैं खुद को क्रिएटर समझ रहा था, लेकिन आपकी व्यवस्था को समझना संभव नहीं है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ये, लेकिन हम अभी भी विश्लेषण लगाए बैठे हैं, हम हर किसी चीज़ के पीछे कारण ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं ब्रह्म संहिता में, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, बट वी आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड सम कॉज फॉर एवरीथिंग। वो व्यवहार को बदलना है हमको, वो चेतना को बदलने की ज़रूरत है, तब ये जो भगवान कृपा बरसा रहे हैं हमको उसका अर्थ समझ में आएगा, तब जल में कृष्ण की स्वाद अनुभव कर पाएंगे हम लोग। ये तो ये पूरा जो ब्रह्मांड अभी एक ऊपर से ये सैटेलाइट से देखते हैं ना, तो सैटेलाइट का एक वीडियो रिलीज़ किया था, अगेन यूनाइटेड नेशन, वी आर नॉट ग्लोरीफाइंग यूनाइटेड नेशन, बट वॉट एवर दे आर रिलीजिंग इज़ अ फैक्ट, कि ये जो पूरी पृथ्वी है उसमें 3/4 जगह में हमने पानी ख़त्म कर दिया है, 3/4 ऑफ द लैंड इज ऑलरेडी डेजर्टिफाइड। सो वो सोचते हैं कि मनुष्य ऐसी योनी है जो मरुस्थल निर्माण करने में निपुण है, ऐसा दिखाई दे रहा है अभी कि मरुस्थल निर्माण करने में निपुण बन गए हैं। तो ये चुनौती तो हमारे लिए है, आने वाली पीढ़ियों के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसा भी वो कहा जा रहा है कि 60 साल के बाद इस धरती पे कुछ उगने की व्यवस्था नहीं रहेगी, अभी जो जिस तरह से चल रही है वैसी व्यवस्था चलती रही तो 60 साल के बाद कुछ अनाज उगेगा नहीं यहाँ पृथ्वी पे, क्योंकि सारा पानी ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत बड़े संकेत हैं हमारे लिए, अगर इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे कि भगवान इतनी कृपा बरसा रहे हैं, इतना परिश्रम जो पसीना, उसको अगर हम जो व्यवस्था भगवान ने दी थी उस अनुसार स्वीकार करना नहीं सीखेंगे, तो भगवान की व्यवस्था क्या थी? भगवान की व्यवस्था में भगवान गायों को चराते थे, जब गाय चरती थी, ऐसा एक श्लोक है अथर्ववेद में कि गाय के आगे के दो पैर, मतलब आगे के दो और पीछे के दो पैरों से जब गाय चलती है तो उससे खेती प्रकट होती है, एग्रीकल्चर कम्स फोर्थ बाय द फ्रंट टू लेग्स एंड द हाइंड टू लेग्स व्हेन द काउ मूव्स एंड विद द इंटेस्टाइनल प्रोडक्ट्स, मतलब उनके गोबर और मूत्र से खेती प्रकट होती है। लेकिन हमको क्या सिखाया गया है खेती कैसे होती है? अच्छा, हमको सॉरी भी, हम तो सब शहर से हैं, हमको नहीं पता है, हल चलाने से, उसको सिंचाई करने से, उसमें बीज डालने से, उसमें खरपतवार को हटाने से, उसमें कुछ सेंद्रिय पदार्थ केमिकल को छटाई करने से, इतना सारा करने से खेती होती है। तो हम सोचते हैं हम खेती नहीं करेंगे, लेकिन कृष्ण ऐसे ही खेती कर रहे थे। कृष्ण केवल गायों को घुमाते थे और इतना समृद्धि था ब्रज में कि जिसकी कोई हम कल्पना नहीं, गायों को सोने के आभूषण पहनाए जाते थे, इतना समृद्धि था। लेकिन क्योंकि हमने भगवान की सिस्टम को बदल दिया, हम तो कोई खेती नहीं करना चाहते, हम तो कोई गाय चराना नहीं चाहते हैं, हम सोचते हैं ये अच्छा है अभी जो चल रहा है वो, लेकिन दिस इज अच्छा नहीं है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है अभी। एवरीथिंग इज़ सो टास्किंग एंड चैलेंजिंग एवरी डे, इतना विचलित है, शरीर स्वस्थ नहीं है, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। तो अगर हम भगवान की व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे तो ये चुनौतियाँ बढ़ती जाएगी, दिस विल कीप इंक्रीजिंग। अभी हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्वीकार कर रहे हैं, H2O से पानी बना दें, हम सोच रहे हैं अच्छा, वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं ऐसे जो ओस गिरती है उसको पकड़ के पी लेंगे, वो करते जाएंगे, लेकिन हमारा स्वास्थ्य बिगड़ते जा रहा है और बिगड़ते जा रहा है। सो जितना हम भगवान की व्यवस्था से विपरीत कार्य करेंगे उतनी हमारी समस्याएं बढ़ती जाएगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि समस्याएं बढ़ रही है, मतलब हम कृष्ण महामृत नहीं बन रहे हैं, बहुत सरल है ये, क्योंकि भगवान ऐसे क्रूर नहीं है कि हमको सब तकलीफ देंगे। भगवान तो बड़े प्रेमी हैं और बड़े दयालु हैं, दीन दयाल उनका नाम है, वो तो चाहते हैं कि सब लोग आनंद में रहे और कृष्ण भक्ति करे। लेकिन हमने भगवान की व्यवस्था में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, हम हर एक जीव को शत्रु के रूप में देखने लगे, हम हर एक जीव को शत्रु के रूप में देख रहे हैं अभी, इसीलिए
हमारी चेतना का विकास नहीं हो रहा है. दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज वी आर फेसिंग टुडे. तो जब ये गाय चरती है तो अभी वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि उनके खुर से, उनके गोबर से जब कीड़े उसको खाने के लिए आते हैं तो जितना बारिश का पानी होता है वो ज़मीन में उतरता है. और अभी कई लोग ऐसे खेती करने लगे हैं, वो ट्रैक्टर यूज़ नहीं करते हैं, हाँ वो कोई इरीगेशन नहीं करते हैं. दे आर टोटली डिपेंडिंग ऑन कृष्णा सिस्टम. और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये लोग कोई कृष्ण भक्ति में इतने गहराई से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन ज़मीन पे रह के और गायों के साथ रह के वो ये सीख रहे हैं. इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि आप ग्रामीण समुदायों का विकास कीजिए. तो अगर ग्रामीण समुदाय का विकास होगा तो वहाँ आपको व्यवस्था मिलती है, आप ज़मीन के साथ रह सकते हैं, गायों के साथ रह सकते हैं, तब आपको अन्य जीवों से सीखने को मिलेगा कि कैसे उनके अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, ईर्ष्या नहीं है. ये पूरे किसी के पास ये बीमारियाँ नहीं हैं, ये बीमारी केवल हमारे पास है. ओनली वी हैव दिस प्रॉब्लम, काम क्रोध लोभ मोह, दे डोंट हैव दिस. दे वो केवल भगवान की व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो उसको चुनौती नहीं दे रहे हैं कि बारिश आ गई मेरे को घर तो मिला ही नहीं. दे डोंट थिंक लाइक दिस. अभी मेरे को खाना कहाँ से मिलेगा, एक स्टोरेज बनाना पड़ेगा, कोविड आ गया तो क्या करेंगे. दे डोंट थिंक लाइक दिस. वो केवल पूर्णतया भगवान की व्यवस्था पे आश्रित हैं. तो ये समझने के लिए, ये आश्रित होना है तो हम समझ गए हैं, लेकिन इसको व्यवहार में कैसे लाएंगे. तो उसको व्यवहार में लाने के लिए ऐसा वातावरण चाहिए, और वातावरण हमको मिलता है गाय और खेत में रहने से. ये प्राकृतिक जीवन से ही हम सीख सकते हैं. अभी हम आर्टिफिशियल अप्राकृतिक और क्या शब्द होता है, कृत्रिम, हाँ कृत्रिम व्यवस्था में हम ये नहीं सीख सकते हैं. अभी पूरा हमारा व्यवस्था कृत्रिम है, टोटल आर्टिफिशियल अरेंजमेंट. इट इज़ टोटली चैलेंजिंग कृष्णा सिस्टम एवरी मोमेंट. तो इससे हमारी चेतना शिथिल होती जा रही है. जितना हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते जाते हैं उतनी हमारी चेतना भगवान से दूर जाती है. हमको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन ऐसा हो रहा है. इट इज़ हैपनिंग स्लोली, धीरे 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 ये होते जा रहा है. बहुत मुश्किल हो गया अब तो. जब से मोबाइल आए हैं शायद कितना 15-20 साल हुआ होगा भारत में, 20 साल हुआ मोबाइल को आए. लेकिन आप देखो हम कितने अभी हम ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, ऐसा मेरा तो अनुभव है. जितना मोबाइल को यूज़ करते एकदम हर सेकेंड उसको दर्शन करने की इच्छा होती है, अरे कुछ मैसेज आ गया होगा, यू नो कुछ छूट ना जाए. इट इज़ सो इम्पल्सिव नाउ. ऐसा हम करना नहीं चाहते हैं लेकिन अब कंट्रोल नहीं है. कंट्रोल चला गया है बिकॉज मोबाइल स्मार्ट है, इसलिए उसके हाथ में कंट्रोल चला गया है. वी आर नॉट स्मार्ट एनी मोर. तो ये बहुत गहरा संदेश है इसमें. और ये जो दृष्टांत दिया है पानी का, वो उससे हमको यही समझना है कि भगवान जो व्यवस्था दे रहे हैं उसके अनुसार जीवन जीना सीखना होगा. जितना उसको हम चुनौती देंगे उतनी. तो असुर लोग तो क्या कर रहे थे, भगवान की व्यवस्था को तो चुनौती दे रहे थे. हिरण्यकशिपु तो यही कर रहा था. हाँ हिरण्याक्ष, एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू चैलेंज कृष्णस अरेंजमेंट. एंड वॉट हैपन्ड, क्या हुआ, बुरी मौत मरे, राइट. दे लेफ्ट देयर बॉडीज एंड दे वर नॉट कृष्णा कॉन्शियस देन. तो अगर हम कृष्णा भावनामृत को विकसित करना चाहते हैं तो भगवान की व्यवस्था में हमको आश्रय लेना सीखना होगा. बहुत महत्वपूर्ण है. क्योंकि हाँ दूसरा पॉइंट ये है कि ये परिस्थिति को हम जैसे बोलते हैं ना उसको इलाज कर दें, हम इलाज नहीं कर सकते, इसको रिवर्स करना होगा प्रोसेस को. अभी हम लोग क्या करें, इलाज करने का प्रयास करते हैं. हम सोचते हैं कि अच्छा उत्पादन नहीं, कीड़े आ रहे हैं तो इनको मार देते हैं दवाई डाल के. वी आर ट्राइंग टू क्योर. बीमारी आती है, अच्छा कीड़े के कारण बीमारी आ रही है तो कुछ ना कुछ एलोपैथिक दवाएँ डालते हैं अंदर, बट उससे तकलीफ बढ़ती जा रही है. वी हैव टू रिवर्स द प्रोसेस. वी हैव टू रिवर्स, वी कैन नॉट क्योर, वी हैव टू रिवर्स द प्रोसेस. क्योरिंग इज नॉट पॉसिबल. रिवर्सिंग इज रिवाइंडिंग अवर कॉन्शियसनेस. हमारी चेतना को पीछे ले जाना है, जैसा भगवान ने हमको दिया था वैसा बनना है. द कॉन्शियसनेस दैट वॉज गिवन, वी हैव टू रीच टू दैट लेवल अगेन. अभी हमने समाज से या शैक्षणिक पद्धति से ऐसी शिक्षाएँ ग्रहण कर ली है जो पूरा भगवान की व्यवस्था से विपरीत है, 100% टोटली विपरीत है. हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं क्या भगवान ने कितना सुंदर निर्माण हमको दिया था. जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो ये तो स्वयं चल रहा था सब कुछ, सबके पास खाने का व्यवस्था था, हाँ अच्छे फल थे,
अच्छा भोजन था। इवन कल हम सुन रहे थे प्रवचन में, इंडिया वॉज 70% फॉरेस्ट, 70% जंगल था जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे। उसके पहले 90% था एक समय में, ब्रिटिशर्स ने इतना नुकसान किया, फिर वो चले गए, हमने सोचा हम अब स्वतंत्र हो गए। अभी कितना है? 14% है केवल, ओनली 14% इज फॉरेस्ट इन इंडिया नाउ। और व्रज किसको बोलते हैं? व्हाट इज व्रज? व्रज किस चीज़ से बना हुआ है? किस चीज़ से बना हुआ था? सॉरी, द्वादशक आनन, 12 फॉरेस्ट। सो भगवान की व्यवस्था जो ये वीर्य पहुंचाते हैं भगवान, उसको केवल एक वन व्यवस्था ही उसको संचय कर सकती है। ये जो शहरी विकास हमने कर दिया है वो इसको संकलित करने के लिए सक्षम नहीं है, उसमें तो फिर बाढ़ ही आएगी, उसमें केवल बाढ़ आने वाली है। भगवान ने जो व्यवस्था दी थी वो जंगल दिए थे हमको, 12 वन हम घूमते हैं, 12 वन, द्वादशक आनन, जहाँ सब लीला कोयलो श्री नंदन नंदन, ये सुना है हमने सबने, बट तो अभी तो जंगल कहाँ है? सो वी हैव टू रिवर्स इट। रिवर्स का अर्थ क्या हुआ? जो खेत हमारे पास है उसको हमको जंगल में परिणित करना होगा। जब वो जंगल में परिणित हो जाएगा तो स्वयं चलायमान है, फिर कुछ नहीं करना है हमको। वंस यू ब्रिंग इट बैक टू द फॉरेस्ट, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, कुछ नहीं करना है आपको। तो हमने हस्तक्षेप करके जो भगवान की व्यवस्था थी, सूर्य जब गिरता था जंगल के ऊपर तो उससे अपने आप भोजन बनता है, जो जीवन धरती में जी रहे हैं सभी कीड़ों का भोजन सूर्य से मिलता है, और पौधों के माध्यम से वो भोजन बनता था। ऐसे जब बारिश गिरती है तो पौधों की जड़ों के माध्यम से सारा पानी भूमि में संचय होता था, लेकिन ये सब हमने हटा दिया, अभी धरती तो खुली हो गई। तो जितना सेंद्रिय पदार्थ या कार्बन जिसको बोलते हैं वो सब सूर्य ने निकाल लिया क्योंकि धरती खुली है। तो अभी आप जो पेट्रोलियम पदार्थ यूज़ करते हो वो क्या है? पेट्रोलियम पदार्थ जो जीव जमीन में रहते हैं और धीरे धीरे जब अपना वो शरीर छोड़ते हैं, मरते जाते हैं और वो जमा होते हैं वहाँ, उसका पेट्रोलियम पदार्थ बनता है। तो उसका भी स्रोत तो पानी ही है, उसका भी स्रोत पानी है। तो अभी हमने वो कीड़े ख़त्म कर दिए, ज़मीन का पानी ख़त्म कर दिया, अब हमसे वो जो खनिज पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्रूड ऑयल उसको ख़त्म करने में लगे हुए हैं। जब वो ख़त्म हो जाएगा एवरीथिंग इज़ फिनिश। तो इसको रिवर्स करना होगा, इसको यूज़ करने की जगह इसको बढ़ाना होगा। अब दैट इज़ द इंटेलिजेंस, इसको कैसे ये पदार्थों को बढ़ाया जाए, उसके लिए अभी भी भगवान पूरे संसाधन भेजते हैं हर साल। अगर आप शास्त्र और विज्ञान को समझेंगे तो इट इज़ वेरी क्लियरली एक्सप्लेन्ड कि अभी भी व्यवस्था तो पूर्ण है, हमको हमारा व्यवहार बदलना है और हर जगह कृष्ण को उपस्थिति देखना सीखना पड़ेगा कि कृष्ण की व्यवस्था सही है, गलत नहीं है। हम उसको जो चुनौतियाँ देते रहते हैं उस दृष्टिकोण को बदलना होगा। जब वो दृष्टिकोण बदलेगा तब हमारे निर्णय बदलेंगे, और जब निर्णय बदलेगा तब परिस्थिति सुधरेगी, और तब जो अभी चुनौती हम देख रहे हैं पानी की, वो पानी की चुनौतियों का समाधान होगा, अन्यथा संभव नहीं है। हम सोचते वैज्ञानिक परिस्थिति से हम सुधार लेंगे तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई कैन स्पीक टुडे। किसी का कोई और सुझाव, सूचन या कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यस, सॉरी, ओके। माता जी का सुझाव है कि हमको प्लास्टिक और पॉलीथीन का उपयोग बंद करना चाहिए। आप सब माता जी को वचन दो कि आप पॉलीथीन यूज़ करना बंद कर दोगे। आई नो, मैं तो समझ रहा हूँ आपकी बात को। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी, हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, आवाज़ थोड़ा पीछे हो रहा है। जैसे आप बता रहे थे कि सभी जीवों में ईश्वर देखना चाहिए, कि सभी जो जीव उत्पत्ति है सब वो ईश्वर की ही कांस हैं, और इस तरह से हम लोग भगवत कृष्ण भावना भावित भी होंगे। तो इसको देख, इस भौतिक जगत में जहाँ हमारे अंदर इतने सारे अवगुण हैं, काम क्रोध लोभ सब हैं,
तो किस तरह से हम लोग ये प्रोसेस को इंक्रीज करें कि हर किसी जीव में भगवान देखें, एक बात। दूसरी बात ये कि हम एक भी देखते हैं कि कभी कोई कोई कम्युनिटी कोई हमारे पर आक्रमण करता है, कुछ करता है, तो क्या हम उसमें भी जीव भगवान देखें और सहन करें सब उसको भी, या मतलब सोचें कि भगवान की इच्छा है तो भाई ठीक है, इसको मार रहा है हमें मारने दो, ये भी ईश्वरीय है, या उसका विरोध करना चाहिए, ये थोड़ा सा। सो बहुत सुंदर प्रश्न है। पहला प्रश्न इनका ये है कि वर्तमान परिस्थिति में हम कैसे सब जगह हर जीव में भगवान को देखें। हाँ, तो इसके लिए सिंपल सुझाव यही है श्री प्रभुपाद जी ने जो दिया है कि हमको खेत, वी हैव टू शिफ्ट ऑन द लैंड। अभी जो व्यवस्था कृत्रिम व्यवस्था में हम जी रहे हैं वहाँ संभव नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और जब आप वो प्राकृतिक व्यवस्था में जाएंगे तब आप अन्य सभी जीवों को देखेंगे, वो तो ऐसे ही जीते हैं, दे आर लिविंग लाइक दिस, वो पूर्णतया प्राकृतिक जीवन व्यतीत कर रहे, केवल हमारे कृत्रिम जीवन सिखा दिया गया है, क्योंकि आप बचपन से यही सीखा है आपने, आपके पिता ने यही देखा है, हमारे पूर्वजों ने यही देखा है, तो हमको लगता है यही जीवन है, लेकिन इसमें कृष्ण भावनामृत नहीं है। भगवद्गीता में भी श्लोक है, ये मैंने जो पढ़ा था वो भागवतम में श्लोक था, तो और ये कई सारे श्लोकों में ये चीज़ दिखाया कि हर जीव में हमको भगवान को देखना सीखना होगा, क्योंकि वो सब भगवान की सेवा कर रहे हैं। मुख्य मुद्दा तो ये है, इट्स नॉट दैट कि वो कुछ चुनौती खड़ी कर रहे हैं। अभी हमारा दृष्टिकोण यही है कि हम जंगल में जाएंगे तो शेर हमको खा जाएगा, लेकिन ये दृष्टिकोण भी गलत है, दिस इज़ अ फॉल्स दृष्टिकोण। भगवद गीता के अनुसार हमारा शत्रु केवल एक है, कौन है वो? ओनली अवर माइंड इज अवर एनिमी, नो बडी एल्स इज। कृष्णा हैज नॉट क्रिएटेड सिस्टम ऑफ एनिमीज अराउंड अस, कृष्णा हैज क्रिएटेड अ सिस्टम वेयर एवरी स्पीशीज कोऑपरेटिंग विथ अस, हर एक जीव हमारे साथ समर्थन में कार्य कर रहा है, लेकिन हमारी शिक्षा इससे विपरीत है, तो हम शास्त्र के दृष्टिकोण को स्वीकार करने के लिए अभी हम तैयार नहीं हैं, हमारी चेतना बहुत नीचे के स्तर पर है अभी, क्योंकि वर्तमान दृष्टिकोण इतना हावी है हमारे ऊपर कि बात हमको समझ में नहीं आ रही है, जबकि तो शास्त्र बोल रहा है ये बात, गुरु साधु शास्त्र ये बात समझा रहे हैं हमको, लेकिन क्योंकि हमने वैज्ञानिक और वर्तमान शैक्षणिक पद्धति से ये सीखा है कि ये हमारे शत्रु हैं, इसलिए हमको लगता है कि इनको मारना चाहिए। बट जब हम शास्त्र के दृष्टिकोण से सीखेंगे, हर एक जीव भगवान की सेवा में संलग्न है, हर एक जीव का कुछ हेतु है निर्माण होने का। कृष्ण सेज आई एम कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, तो अगर कोई जीव का निर्माण हुआ है तो कृष्णा ने कुछ हेतुवश उसका निर्माण किया है। हम क्या सोचते हैं, पता नहीं ये घास क्यों उग गई है, इधर इसको निकालो, बट तो भगवान ने निर्माण किया उसको। अहम बीज प्रदापिता, ही इज द सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल द स्पीशीज, ही इज द फादर, राइट। बट हम वो दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर रहे, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं कि ये कीड़ों के कारण हमें बीमारी आती है, इसलिए हम सैनिटाइज करते हैं, सैनिटाइज स्टरिलाइज, हमारा और बीमारी बढ़ती जाएगी। यू कैन नॉट बिकम हेल्दी बाय किलिंग अदर्स, नॉट पॉसिबल। आपका हेतु क्या है, उसको वो शत्रुता रखने का हेतु तो यही है कि हमको कुछ प्राप्त होगा, लेकिन आपका तो नुकसान हो रहा है वो करने से, उसको उसकी हत्या करने से आपको ज़्यादा नुकसान है, वो जीव को कम नुकसान है। कोई हमारी हत्या करने आ रहा है तब? ऐसा कुछ नहीं होता है हत्या करने, कोई नहीं आता है हत्या करने, दिस इज ऑल दृष्टिकोण। अभी शहर में हम रहते हैं तो यहाँ भी तो हत्या हो रही है, तो गांव में रहोगे तो आप ये नहीं होगा, अगर यू फील कि आपकी हत्या करने आ रहा है देन यू शुड गो ऑन द लैंड, स्टिल दैट इज द सॉल्यूशन। तो ये जो कम्युनिटी लिविंग है कि एक विचारधारा वाले लोग साथ में रहेंगे और भगवान की सेवा करेंगे तभी ये चेतना का विकास हो सकता है। अभी हम एक डेढ़ दो घंटा जप करते हैं और 10-12 घंटा बाहर कार्य करेंगे, उससे इस चेतना को उठाना बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी स्ट्रगलफुल, इट्स अ डिसीजन इन द रॉन्ग डायरेक्शन। फिर हम सोचते हैं तो मेरा जीवन कैसे चलेगा, दैट मीन्स फिर श्रद्धा, तो भगवान में श्रद्धा बढ़ानी होगी। हम सोचते हैं हम बैंक बैलेंस बनाएंगे तो हमारा जीवन चलेगा, लेकिन ये तो गलत दृष्टिकोण है। द रियल दृष्टिकोण इज टू सरेंडर ऑन द लॉर्ड। ये बच्चा जो है इसको नहीं पता है बैंक बैलेंस बनाना, लेकिन इसका जीवन तो चल रहा है, बिकॉज इसके पास वो दृष्टिकोण है कि शरणागत होना है पिता के ऊपर, तो वही दृष्टिकोण हमको जगाना है। तो बच्चे से बहुत सीखने का है हमको, वी थिंक दैट वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द लॉर्ड, दैट इज अवर डिजीज, वी हैव टू लर्न टू बी डिपेंडिंग ऑन द लॉर्ड। हर हमेशा कितना भी प्लानिंग कर लें हम, हमारा कोई प्लान काम में नहीं आता है,
होता वही है जो कृष्ण की प्लानिंग होती है। हाँ, हिरण्यकशिपु ने क्या सोचा, अमर बन जाऊंगा, ब्रह्मा जी को कर करा के सब वरदान ले लिए। हाँ, हम नहीं सोच सकते, उतना मांग लिया उसने, लेकिन हुआ क्या? ये सब इसी से, यही तो सीखना है कि कोई प्लानिंग काम में नहीं आती है, कोई व्यवस्था काम में नहीं आने वाली है। अब वो अभी हमको किसी ने ईमेल किया, मैं 50 लाख रुपया बैंक बैलेंस करता हूँ फिर खेत में रहने आऊँगा, बट 50 लाख जमा करने में तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये किसको पता है। वी डोंट सेंस द इमरजेंसी ऑफ द सिचुएशन। हम क्या सोच रहे हैं, हम प्रचार करते हैं अभी बहुत साल, पता नहीं आपको आपका जीवन कितना है, आपके पास इंश्योरेंस का वो नहीं है, 70 साल जिएंगे, आपको पास वो सर्टिफिकेट नहीं है कितना जीवन है, लेकिन हम तो ऐसे ही जी रहे हैं, हम तो यही सोच रहे हैं अभी तो बहुत समय बाकी है। वी आर स्टिल लिविंग लाइक दैट, वी डोंट फील दैट इमरजेंसी। तो हम पूर्णतया ये जो प्रभुपाद ने जो बोलते खजाना दिया है उसको उपयोग में करने के लिए अभी तैयार नहीं हुए हैं, लेकिन इसकी शुरुआत वो श्रद्धा से होगी कि जहाँ हम हमारा कदम उठाएंगे और भगवान की व्यवस्था के अनुसार जीवन जीना शुरू करेंगे। कृत्रिम जीवन में संभव नहीं है ये, इट इज़ इम्पॉसिबल, और परिणाम हमारे सामने हम देख रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द जो चल रहा है, वी कैन सी इट, क्या हो रहा है अभी, वॉट हैज हैपेंड। प्रभुपाद जी ने स्पष्ट बोला है, इफ यू टॉक अबाउट संकीर्तन आंदोलन, अभी संकीर्तन आंदोलन है, हाँ क्या बोलते हैं, युग धर्म इज हरिनाम संकीर्तन, राइट, तो वो भी हम नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट इवन डूइंग दैट। तो वी आर समहाउ कन्विंसिंग अवर माइंड दैट वॉट वी आर डूइंग इज गुड, और क्योंकि पूरा वातावरण ऐसा ही है, तो ये रिवर्स में डालना है गाड़ी को भी, सब लोग तो आगे जा रहे हैं, आपको पीछे जाना है अभी, और वो पीछे जाना ही सही दिशा है, दैट इज़ द राइट डायरेक्शन। सो इट इज, इट्स अ बोल्ड थिंग टू अंडरस्टैंड, इट इज़ बट द इट टू स्टार्ट विद दैट फेथ, वो श्रद्धा से शुरू होएगा, भगवान में जब श्रद्धा हो जाएगा, प्रहलाद महाराज को तो श्रद्धा आ गया था इसलिए कोई भय नहीं था, सो एटलीस्ट दैट फेथ हैज़ टू कम, और हमको तो कुछ छोड़ना नहीं है, लाइक इस्कॉन वृंदावन इज मर्सीफुली अनाउंसिंग दैट यू कम एंड लिव ऑन द लैंड, आप आइए जमीन में रहिए, आपको घर दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, व्हाट एल्स डू यू नीड, और क्या चाहिए आपको, फिर भी हम हमारी व्यवस्था बनाने में लगे हैं, देन व्हाट व्हाट मोर कृष्णा विल डू फॉर यू, वी अनाउंस दिस, इस्कॉन वृंदावन इज अनाउंस्ड दैट वी आर अकोमोडेटिंग पीपल टू लिव ऑन द लैंड, वहाँ आपको कमरे मिलेगा रहने के लिए, घर मिलेगा, परिवार है तो साथ में रहने के लिए, आपको सेवा मिलेगी वहाँ करने के लिए, आपको ना पैसा देना है, एवरीथिंग इज जस्ट अवेलेबल। बट हम सोचते हैं नहीं नहीं, मुझे कभी भी निकाल दिया जाएगा तो मैं मेरे, तो कभी भी, तो भगवान कभी भी ये शरीर आपको निकाल सकता है, एनी मोमेंट दैट कैन हैपन, थिंक लाइक दैट, दैट इज रियल कृष्ण कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग। हम तो हमारी व्यवस्था पे विश्वास कर रहे हैं, भगवान व्यवस्था पे विश्वास नहीं कर रहे, ऐसा हो गया अभी तो, चुनौतियां अंत नहीं होने वाली है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, पूरा समय हम भौतिकतावादी लोगों का संग करेंगे तो कृष्ण भक्ति कैसे बढ़ेगी, तो भौतिकतावादी का संग करना है प्रचार के लिए, तो अगर आप प्रचार करते हो पूरा दिन तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बट वो तो हम नहीं करते हैं, हम तो धन उपार्जन के लिए कर रहे हैं ये, तो वो तो बहुत गलत दिशा है, इट्स वेरी रॉन्ग डायरेक्शन, डोंट नीड, कृष्ण इज द मेंटेनर, कृष्ण इज द प्रोटेक्टर। तो यू कैन एक्सपीरियंस लाइक दिस, कम एंड स्टे विथ अस फॉर सम डेज एंड एक्सपीरियंस। हरे कृष्णा, अभी और समय है, 9 बज गया है, ओके वन मोर क्वेश्चन। यस, आपने बताया रिवर्स जाने के लिए, तो जैसे आपने कुछ चीज़ें बताई जो डिफॉरेस्टेशन हो गया है, या फिर आपने बताया कि जो डेजर्ट इतने सारे हो गए हैं, उसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं, मतलब इज़ इट कंसिडर्ड एज इरिवर्सिबल डैमेज, जैसे आपने बताया हम अपने इंडिविजुअल लेवल पर कैसे रिवर्स जा सकते हैं, दैट इज़ अंडरस्टूड, मगर जो इतना सारा डैमेज हो गया है उसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे हम देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने जब ये संस्था शुरू की तो कोई कृष्ण को इतना लोग जानता नहीं था, लेकिन उन्होंने शुरू किया तो अभी हम देखते हैं लाखों करोड़ों लोग संस्था के साथ जुड़े हैं और कृष्ण भक्ति में जुड़ रहे हैं। तो इसी प्रकार जब हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, हम भक्त लोग मिलके ऐसे ग्रामीण समुदाय का विकास करना शुरू करेंगे और वहाँ जंगल का निर्माण करना शुरू करेंगे, उसको देख के बहुत बड़ी मात्रा में लोग जुड़ेंगे, ऐसा तो श्रील प्रभुपाद जी का भविष्यवाणी है,
सो मैनी पीपल विल ज्वाइन. और उसको रिवर्स करने के लिए दो ही मुद्दे हैं, हमको ज़मीन पर जाना है और साथ में गायों को लेके जाना है. तो अभी गाय ज़मीन से दूर है, हाँ गाय और ज़मीन को अलग कर दिया गया. जब गाय ज़मीन से जुड़ जाएगी तो ये पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा. ऐसा वैज्ञानिक रूप से भी अभी प्रूव हो गया है. अगर आप वैज्ञानिक जो लोग अभी एकोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं, हाँ वो लोग इसका प्रचार करते हैं, पर्यावरण का जो समर्थन करते हैं ऐसे लोग, वो लोग भी बोल रहे हैं कि अगर गाय को ज़मीन पर रखा जाएगा और उनके द्वारा खेती, गोबर से नहीं, अभी लोग गोबर से खेती कर रहे हैं लेकिन पद्धति है गाय से करना. तो जब गाय खेत में रहेगी तो ये जो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज हुआ है, जो ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, वो सब रिवर्स हो जाएगा. ऐसे टेड टॉक्स है, हाँ वैज्ञानिक लोग इसको स्वीकार कर रही हैं ऑलरेडी. पीपल आर एक्सेप्टिंग इट एंड पीपल आर स्टार्टेड डूइंग इट. लोगों ने करना शुरू कर दिया है. तो हम लोग स्लो हैं अभी, वी आर लेट. लोगों ने तो बहुत समय से शुरू कर दिया, तो 40-50 साल से कर रहे हैं लोग. उसकी मात्रा कम है, जैसे कृष्ण भक्ति करने वाले लोगों की मात्रा कम है, इस प्रकार इसकी मात्रा कम है, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रचार बढ़ेगा तो ये बढ़ते जाएगा और ये पूरा रिवर्स हो सकता है और होगा. तभी तो सत्युग आएगा वापस. जब जो कलयुग में जो सत्युग की आगाही है वो तो ऐसे ही तो आएगी. जब हर नगर और हर गाँव में ये संकीर्तन आंदोलन पहुँचेगा तो गाँव में पहुँचने के लिए तो हमको वहाँ जाना पड़ेगा. तो अगर हम वहाँ हमारे समुदाय का विकास करेंगे तब वहाँ भक्त होंगे, तब तो ये हर गाँव में पहुँचेगा, नहीं तो पहुँचेगा कैसे. तो ये तो आचार्य की भविष्यवाणी है, प्रभुपाद जी की भविष्यवाणी है, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी, ये होना तो है ही. पर जैसे अर्जुन को भगवान ने बोला कि सब तो मरे हुए हैं, यू टेक द क्रेडिट नाउ, सो नाउ वी जस्ट हैव टू टेक द क्रेडिट, गो ऑन द लैंड एंड टेक द क्रेडिट, कृष्ण इज डूइंग इट ऑल. लास्ट क्वेश्चन, यस इनको. प्रभु जी एक सवाल, अब जैसे कोविड आया है तो इसमें आप बोलते हैं सकल कारणों के कारण कृष्णा है, तो इसको हम कैसे समझें? मैं समझ नहीं पाया, सॉरी. कोरोना का कारण, हाँ हाँ मैं बताता हूँ मैं. क्योंकि हम प्रकृति के साथ इतना क्षति कर रहे हैं, इतनी जीव हत्या हम कर रहे हैं, सो भगवान को बैलेंस बनाए रखने के लिए व्यवस्था को चेंज करना पड़ता है. जैसे अभी अमेरिका में 5 में से हर 2 बालक मतलब इस प्रकार से जन्म लेता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता है. मतलब उसका ना दिमाग चलता है ना उसका शरीर चलता है, क्योंकि इतना अधिक हस्तक्षेप हो गया हमारा भगवान की व्यवस्था में. तो उसको सुधारने के लिए उस सिस्टम को स्लो करना ज़रूरी है. तो सिस्टम को स्लो किया भगवान ने, एज सिंपल एज दैट. युद्ध क्यों होता है? जब प्रभुपाद लिखते हैं, जब बहुत जीव हत्या, बहुत पशु हत्या होती है तब युद्ध शुरू हो जाते हैं. तो दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग. ये एक अनपेक्षित परिणाम है हमारे गलत निर्णय का. तो हम अगर गलत निर्णय लेंगे तो अनपेक्षित परिणाम आएगा. इसी प्रकार ये समाज चलता है, इसी प्रकार ये संसार चलेगा. अनपेक्षित परिणाम नहीं आएगा तो हमको समझ में कैसे आएगी हम गलती कर रहे हैं? अगर कोई हम गलती करने पे चांटा नहीं पड़ेगा तो समझ में नहीं आएगी गलती हो रही है. सो ये हमको संकेत है कि सुधरो, दिस इज अ इंडिकेशन. और ये भगवान का प्रेमवश इंडिकेशन है, ही इज टीचिंग अस लविंगली दैट प्लीज चेंज नाउ, दिस इज अ टाइम टू चेंज, आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी. भगवान चाहते हैं हम सुखी रहें, इसलिए उन्होंने संकेत दिया, छोटा ट्रेलर. दिस विल कम इन अ बिगर मूव इफ इन फ्यूचर इफ यू विल नॉट करेक्ट. अगर हम सुधरेंगे नहीं तो इससे बड़ा विपत्ति आएगा. ये सुनामी आता है, अर्थक्वेक आता है, ये सब क्या है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग डिसीजंस. वी आर क्रिएटिंग इम. जो धरती का पानी हम निकाल रहे हैं, धरती से जो पानी हम निकाल रहे हैं बोर बना बना के, दैट इज आर्टिफिशियल, दैट इज नॉट अलाउड. प्रकृति में ये अलाउड नहीं है. तो इम्बैलेंस हम करें, ये सब इसी चीज़ का संकेत है कि हम भगवान की दुई व्यवस्था को स्वीकार नहीं. लेकिन अब हमारे लिए ये अचिंत्य हो गया है कि इसको करे बिना जीवन चलेगा कैसे. लेकिन तो बहुत लोग जी रहे हैं ऐसे, केवल मनुष्य को छोड़ दीजिए बाकी सब लोग जी रहे हैं. बिकॉज वी डोंट हैव दैट सरेंडर ऑन द लॉर्ड, वी डोंट हैव फेथ इन द सिस्टम. सो ये फेथ जगाने का प्रोसेस है ये, और वो जगेगा जब हम प्राकृतिक व्यवस्था में पहुँचेंगे तब. यहाँ बैठ के नहीं हो सकता है ये, नॉट पॉसिबल. तभी तो आपका जीवन ऐसे भी खेत से ही चल रहा है. हम क्यों क्या खा रहे हैं अभी? भगवान को भोग क्या चढ़ा? सब तो कोई ना कोई कर रहा है हमारे लिए, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं वो कार्य? ये प्रश्न पूछना चाहिए हमको. व्हाई वी आर नॉट रेडी टू डू दिस? व्हाट इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम दैट? वी शुड डू इट. वो केमिकल डाल रहा है वो भी हमको मालूम है, फिर भी हम वो बोलते हैं ना, आँख बूंद के बैठे हैं कि मेरा मृत्यु नहीं आएगा.
वो एक पक्षी है ना, वो उसको मारने आता है तो वो मुंह जमीन में डाल देता है. वी आर लाइक दैट. ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच कौन है वो? ही पुट्स हिज फेस इन द सॉइल व्हेन समबडी इज कमिंग टू किल हिम एंड ही थिंक्स दैट एवरीथिंग इज गुड नाउ. कबूतर करता है ऐसा? तो कोई तो करता है ऐसा. मेरे हिसाब से हम लोग करते हैं ऐसा. हम सब यही कर रहे हैं. जमीन नीचे कोई करेगा, समबडी विल डू इट. हु इज दैट समबडी? वी हैव टू डू इट. हरे कृष्णा. जय श्री प्रभुपाद की जय.